आई गॉट दिस नोटिफिकेशन ऑफ साइफर, ये एमईवे बंटाय का जो नया चैनल है ना बंटाय रिकॉर्ड्स, उस पर ये डला है उनका साइफर, उनका फ्री वर्स। और रात को 12 बजे मुझे नोटिफिकेशन मिला, तो सीधी सी बात है कि 12 बजे यू कैन नॉट रिएक्ट ऑन अ रैप लाइक दैट, क्योंकि आप क्या होता है कि फ्लो में चले जाते हो, चिल्लाने लगते हो और समय पे सब सो रहे होते हैं। तो मैंने कहा अब तो मेरे को वेट करना पड़ेगा, फिर मैं रुकी, मैं थोड़ा आराम करा, मैं सोई। अभी मैं नहा धो करके एकदम रेडी हो गई हूँ इस पे रिएक्शन देने के लिए। एंड दिस इज अ कोलैबोरेशन विद डोपाडेलिक्स। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, क्योंकि यार बड़ा ही डिफरेंस डोपाडेलिक्स, मुझे ओ डोपाडेलिक्स आई थिंक इट इज। बाकी तो अभी गाना सुनती है, अपने को पता लग ही जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी यार बंटाय रिकॉर्ड्स इनका जो नया चैनल है ना, प्लीज इसको जाकर के सपोर्ट करिए पूरा का पूरा, बिकॉज एमईवे बंटाय इज अ पर्सन हु सपोर्ट्स, यू नो, जो छोटे लेवल के आर्टिस्ट होते हैं उनको भी पूरा सपोर्ट देते हैं ये। तो मेरे को दैट्स वाई आई लव हिम यार, आई जेन्युइनली लव हिम। तो बस अभी मैं एक्साइटेड हूँ इनके इस फ्री वर्स को सुनने के लिए, इनके साइफर को सुनने के लिए, देखते हैं कैसा होता है ये। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ हिप हॉप, बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ मैं, मतलब मेरे को रैप्स बहुत पसंद थी। जब मैं ना December 2020 में मैंने ये रैप रिएक्शन चालू करा था, उससे पहले आई डिडंट न्यू आर ऑफ रैप, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट जब मैंने धीरे धीरे करके यू नो सबके रैप सुने, रफ्तार, एमईवे, कृष्णा, डिवाइन, एमसी स्टैन, एवरीवन, तो धीरे धीरे करके मेरा थोड़ा दिमाग खुला और मैं यार आई गॉट अ लिटिल ओपन। अदरवाइज पहले मैं बहुत ज्यादा यार अपने ही उसमें एक बाउंड्रीज डिफाइन कर लेता है ना इंसान, वो वाली हालत थी मेरी। अभी मेरे बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस गाने पर रिएक्शन करते हैं, इस गाने को सुनते हैं। तो तब तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहां पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे अबाउट माई कॉन्टेंट। मैं वहाँ पे कॉमेडी कॉन्टेंट क्रिएट करती हूँ। आई वर्क डिफरेंटली ऑन इंस्टाग्राम यार, बहुत डिफरेंट है ये चैनल और इंस्टाग्राम का चैनल। तो 8 मिनट का गाना है बॉस, मजे आ जाएंगे भयंकर वाले। What is up? क्या बोले सब लोग, क्या चालू है? एमईवे बंटाय, मालूम है ना? मालूम है। टीएससी साइफर, बंटाय रिकॉर्ड्स, EM24/7, डोपाडेलिक्स, फ्री वर्स 2021, तैयार है कि नहीं पब्लिक? फुल तैयार है बॉस, படிக்கல பிஎச்டி ஆனா கேளு என்னோட ப்ரொஃபசி ஸ்டோனி கைய வச்சா தொட்டதெல்லாம் மாஸ்டர் பீஸ் வரிகளை கேட்டு நீயும் பண்ணி இப்போ ஆராய்ச்சி என் கூட மோதி பார்த்த ஹேடஸ் எல்லாம் இப்போ ஆர்ஐபி வி டேக்கிங் ஓவர் லைக் கேலட் எங்க கிட்ட வந்து நீ ஓலுவோ காதவோ பாட்ட கேட்டு காதல இந்த வடிது பாரத்தோம் நீ சத்தம் போடுங்கன்னு சொல்லி வரல பாரு சத்தம் எங்க கச்சேரி கேட்டா உங்க தலை சுத்தம் மாப்புள்ளது ஃப்ரீ வாஸ் சீக்வல் பாஸ் ரொம்ப ஃபேட்டல் கெட் யுவர் செக்யூரிட்டி இஃப் யூ வான்ட் டு ப்ளே சேஃபர் டேஞ்சர் ஜோன் பயமா இருந்தா கோ பேக் ஹோம் விண்டர்ஸ் கமிங் and flow smoking like I'm in Colorado terinjiko purinjiko thalaiyila yetiko bro vidha vidhamana patta kondu vandha patta kelapuvo naanga makkala asuthuvo thevayilla adishtam thungitti irundha singatha tatti elipitta thevayillada prachanaiya kelapitta samadhanam pesa inga edamilla chinna pilla thanamana aato nadakkadada yengitta mattama pesi sircha vaaya naanga thane adichito balabalo illama naanga tharamayala valandutom po sollu kavali pola naanga thirumbi vandutom all the way up and nobody can bring us down அவதாரம் எடுத்தாலும் நீ என்ன அழிக்க முடியாது தந்திரம் தெரிந்தாலும் நீ என்ன கட்டுப்படுத்த முடியாது களத்துல இறங்கின பிறகு கருணை என்ன தெரியாது அலந்தறியாம களவிட்டாவோ சிறீங்க பழைக்காது we break the rules and we bring in the change man revolutionary yes. mind with the game plan me okay. and you we not the same bro my is the yes. ego you just a scarecrow living like a rockstar did a flick with the superstar never thought I would get this for hard work makes it possible still grinding and take up a save the game like autobots I ain't turn into autograph now they wanna click a photograph बहुत तगड़ा इनका रैप था। सी आई डोंट नो तमिल, आई गेस वो तमिल थी क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने कुछ ट्रेलर्स देखे हुए हैं, मूवीज देखी हुई है तमिल में। और जितना उनका इंग्लिश का लिरिक्स था दैट आई कैन इजीली अंडरस्टैंड, बट तमिल नहीं आती, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या सही बीच थी, फ्लैम बॉय को तो मैंने स्टार्टिंग में शाउट आउट दिया ही नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ यार बहुत सही गाया है इन्होंने अभी तक कि वी चेंज द रूल्स, यस वी आर बॉर्न टू चेंज द रूल्स। हम कोई स्टीरियोटाइप को फॉलो नहीं करने वाले, हम कोई जो पुरानी चीजें पेट्रियार्की चलती आ रही है उसको हम वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट, वी आर गोइंग टू चेंज द रूल्स। जो चीजें गलत हैं
हम उन्हें बदलेंगे। आगे का रैप सुनते हैं यार, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि वो ही दो भाषाएं अपने को समझ में आती है। पंजाबी भी आती है वैसे तो, पर अभी पंजाबी में तो डेफिनेटली नहीं होगा। लेके माथे चले बॉम्ब, तेरे टोटल लेके साउंड, पहले के सॉन्ग सुनेंगे लगेंगे बॉम्ब, ना टेंपल से स्ट्रॉंग, पहले से स्ट्रॉंग बॉम्ब है तू ना अपना, तेरा टोटल लेके सॉन्ग लिखने नहीं हो रहा तो ले रखे मेरे से लाऊं ना चीटा बने ले सी अपन शॉट देता सर पे, ये नकली रैपर जाके देते राग दुनिया भर के, मचाते हुए दिखते हम अंधे हैं सड़क के, ये बुमराह हम युवराज छे बॉल पे छे छक्के, जिधर नजर आए वैसे शॉट में मैं घुसता नहीं, बचका ना रोरा ना ही भाव तेरी बचका नहीं, रैप गेम में अंकल लो स्वैगिन पे जचता नहीं, बनता तू बाजी राव गायब है मस्तानी, सस्ता नहीं तेरे जैसा मैं मेहरबानी मत कर, बनता की पब्लिक से छेड़खानी मत कर, किया तो फिर दिखेगा बुरा परिणाम, सारे के सारे परेशान आए किधर से, सीढ़ी का नाम कल्याण। अरे भाई 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 गजब 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 गजब। ओके ओके वेट, आई हैव टू स्टॉप इट हियर, क्योंकि हिलाक था शायद इनका नाम, मेरे को नहीं पता यार, सॉरी मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई एम सॉरी, कमेंट्स में बताओ क्या था। बाकी इन्होंने वो कृष्णा ने अपने फ्री वर्स में बोला था ना कि मैं बूमरा वाली बॉलिंग करके कुछ बोला था, मेरे को एग्जैक्टली लाइन याद नहीं आ रही, बट ये डेफिनेटली उन्हीं के लिए था। आई एम ओपनली सेइंग इट क्योंकि मुझे याद है उनके लिरिक्स में था ऐसा कुछ उनके फ्री वर्स में। अभी आगे सुनते हैं क्या होता है। दारू पी के डाइट घर पे आके दे गाली, मार इतना जोर से के सुने पूरी चाली, सूट में आया बिजनेस करने वाला मवाली, जेब पूरी भर ली पर तेरा दिमाग खाली, बीवी को छोड़ के लाइन मारे साली पे, तू ही असली मर्द है इसी बात पे ताली दे थाली दे, तेरे घर पे खाना नहीं चल दिए जो एक बार, फिर वापस आना नहीं बार, फट्टू घर पे बना फिरे 30 मार, नवाबी शौक और सैलरी है 20,000, अरमानी कॉप करे पॉप फिर ये सारी रात, मंगा ले चाय दिल में लगेगी ये खारी बात, सारी रात अपन स्टूडियो में, ध्यान मेरा काम पे ना ही कुड़ियों पे, टापू हेड ले रहा है गुड़ियों से, सब रिकॉर्ड हो रहा वीडियो पे। सही है भाई, डिडंट एक्सपेक्ट, इतना नहीं सोचा था मैंने यार, मीम मशीन जादूगर कर तो मी जे करू शकत नाही कोणी पण, टीएससी सायफर ऐकून होशील तू पण, मिंटा आहे माझं नाव हो आता बाजू चल, शॉर्ट देतो टाइमवर बघत नाही कोण समोर, नकली खोटे डिस ऐकून झालो मी आहे बोर, इंडस्ट्रीचे कलाकार सर्व आहे इमानदार, फॅमिली बिझनेस बनून मालक बनलाय चोर, मंत्री बनले जे नाही शिकले शाळा, सफेद खादीच्या आत पैसा ऐकाळा, जातीच्या नावावर राजकारण कशा, न्यूज चॅनल वर दाखवतात एक्स्ट्रा मसाला, चायच्या टपरी वर करायचो जॅम्स, देशभरातून एंटॉफिलला भेटायला आले फॅन्स, केलं हार्डवर्क नाही केलं मी प्लॅन्स, विजन होती मनात फक्त बोलणार मी फॅक्ट्स, माझ्या सोबत सर्व सेल्फ मेड, तुझे गँग मेंबर्स होत राहता चेंज, गाणं फेकून मारतो तुझ्या तोंडावर हे बनताय की पब्लिक स्ट्रेट ऑन द फेस, कोई जोडे हात कोई खोले हात कोई तोडे हात, कोई छोडे साथ कोई बोले बात, कोई तोले माल कोई सोते नाक, कोई धोते पाप कोई पोचे लास्ट, कोई धोके बास कोई रोके बार, कोई पोचे आग कोई छोटे काम, कोई मोटे सांड कोई गोटे जाम, कोई रोके सास कोई फोड़े काज, कोई धोते हार कोई होते स्मार्ट, कोई होते त्रास कोई होते पास, कोई झोले साथ कोई खोले हाट कोई खोले रात, 24 की उम्र में बिजनेस क्लास एमरेट, और उस उम्र में खेल रहे थे गली में, 25 की उम्र में घर वालों को गिफ्ट भेजे, और ये तब उड़ा रहे थे अपने बाप के पैसे, वही सच्चे यार वही सच्चे याद, वही बच्चे आज सही बच्चे आज, नहीं पलटे बात नहीं अच्छे डाक, नहीं करते माफ ये करते हिसाब, नहीं हल्के बार से यही डालते गार्ड, यही डालते गार्ड। You muckle it. Wait, wait, wait. He just took my heart. बहुत सही लिरिक्स था इनका, मतलब जितना भी हिंदी में था वो जो मेरे को समझ में आया उसके बारे में बात कर रही हूँ, कि 25 की उम्र में ये अपने घर पे गिफ्ट्स भेज रहे थे अपने घर वालों को, बेसिकली यार आपको इतना बड़ा कर दिया है घर वालों ने, नाउ यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, जब ये जब अपने पैरों पे खड़े हो गए थे तब वो मतलब जिसके लिए सबलिमिनल डिस था वो अपने बाप के पैसे उड़ा रहे थे उस समय पे। वाओ मैन, उनके बाल बहुत अच्छे लगे, मीम मशीन का बहुत तगड़ा फ्लो था, बहुत तगड़ा बार्स था, मतलब बहुत तगड़े बार्स थे, इतना मैंने सोचा नहीं था यार, उनके मैंने पहले भी बहुत गाने सुने हैं बट इतना हार्ड फ्लो आई डेंट इमेजिन इट, आई डेंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम, बहुत एक्सपेक्टेशन से परे जा रहा है ये गाना, बहुत तगड़ा चल रहा है अभी तक, और मैं अभी ये तो हिंदी में नहीं बोलने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का कुछ थोड़ा सा सुनाई दिया था मेरे को, वो हिंदी में नहीं था। 2021 Dope Daddy Dope Daddy Dope Daddy Kill
வெஸ்கோஸ் நகரோ கோட் கேட்டல் அடக சொல்லி செவதாலே நம் இடம் சொல்லு கதைகளம் கலாச்சாரம் வளர்ந்தது இசையோட பையனத்தில் அடையாளம் என்ன சில்லை துபையோட கட்டு மாடிகள் எவ்ரிடே மகிழ்ச்சி விடு சாதனைகள் நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் நம்ம எல்லாம் ஒண்ணு வத எவ வந்தாலும் நம்மள ஒண்ணு பண்ண முடியாதே இல்லீகல்லான்னு சொன்னியே எங்க எட்ட தரவி பேர கேட்டால இசை என்ன பயும் நேத்து பார்த்த போல இல்ல இது நம்ம எட்ட டாப் நாட் சட்ட மக்களே இது நம்ம கல ஃபயர் விந்த பூத் இல்ல ஃபயர் விந்த ஸ்வீட் பாரு பத்தி குண்ட தன்னாலே பிடே வந்து நினைக்காதே கேங் இல்ல ஃபேன் இது குட்டி கழிச்சு பார்க்காதே மும்பை சிட்டி ஆட்டத்தில் கேட்டு பாரு நம்ம யாரு கேட்ட உடனே பையர் மடக்கிக்கு பத்த வச்ச போது உனக்கு ஆயிரும் எங்க மாப்பு டேடி ஸ்டைல் கேம் என்னைக்கு லெவல் அப் 2021 மாப்புள் வேட வாஸ் அ ட்ரிப் அவதாரம் எடுக்கிறோம் வரலாறு எழுதுறோம் நம்மளோட படை மாப்பு தண்ணியாக தெரியுமே பட்டை மாப்புள் மக்கள் சேர்ந்த வெடிக்கும் லக்கானு குண்டு பிரச்சனை எதுக்கு மாக்க மாப்புள் சொல்ற ஃப்ரீயா உடே ஹா இங்க ஒன் வே ரன் வே என் வே திரும்பி சென்ற கூட்டம் இங்கே தானே ரொம்பவே குண்டு சட்டிக்குள்ள சும்மா ஓடிக்கொண்டு இருக்காதே உன்னால் முடிஞ்ச பட்டு காலத்தில் வந்து இறங்குடே நம்ம தோஸ்திங்க ரொம்ப க்ளோஸ் இங்க எல்லா ஸ்டேட் இல்ல மாசான சீனுங்க எங்க கிட்ட வச்சு கதை வீண வம்புங்க வீட்டுல உன்ன போட்டு தக்கி கர்மாதி பண்ணுவோடே மாப்புள் இந்த சீடி வேற லெவலே புச்சு ஹேண்ட்ஸ் இன் தி ஏர் மக்கள் பவரே மொக்க பேச்சு பந்த எல்லாம் உன்கிட்ட நீ வச்சு கோடா மாப்புள் வந்துட்டேன்னு சொல்லு பொத்துக்கிட்டு ஓரம் போவா अभी तो एमी वे बंटाए आएगा क्योंकि वही वही बाकी है एमी वे बंटाए मालूम है ना बोलेंगे ये पर उससे पहले मैं ये बोल दूं कि डोप डैडी आपका बहुत बहुत तगड़ा वाला रैप था आई डिडंट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड एक भी शब्द समझ में नहीं आया पर मजे पूरे आए आई वॉज लाइक फीलिंग योर बार्स मैन क्या सही आपने गाया है बीट्स के साथ मतलब एक बंदा ना झूम जाए आपके गाने को सुन के मजे दिला दिया आपने आज जिंदगी के मेरे को बंटा है मालूम है ना सुन हाँ जिसे तोड़ना था तोड़ दिया छोड़ना था छोड़ दिया गाना लेके आया और तू रैप करना छोड़ दिया आजा जोड़ दू मैं तोड़ दू फोड़ दू इंडियन हिप हॉप रिप्रेजेंट करने को अपना पिन कोड दू 37 क्या तेरा मेरा क्या आया है दुनिया में फोकड़ में ऊपर जाने का पैसा लेगा क्या महंगा क्या जब सपने पूरे होने लगते हैं रहेगा क्या घर के बाजू कूड़े कचरे फेंके हैं ये कुछ नहीं देखे हैं दूसरों के बात पे बहके हैं फेंके हैं मैंने कितने गाने तब जाके यहाँ बैठे हैं चल बैठे रे तेरे तरफ से लेते रे मैं मेरे तरफ से देते रहूंगा तेरे तरफ से लेते रे चल 7 साल हुआ गेम में कभी नहीं चुका मेरे एम में बाकी ये रैपर लोग बुरा एंटरटेनमेंट मेरे से ले ले थोड़ा सा ट्रेनिंग गाने पे गाने हर मौसम में रेनिंग इनकी तो फटी पड़ी क्योंकि मेन थिंग एमवी आया है सीन में बाद में फिर भी पूरा सीन है हाथ में इनके बाप में इतना दम नहीं के व्यूज मेरे पार करे तेरे ऐसे कितने रैपर्स दरवाजे के बाहर खड़े मांगे मुझसे फेम खुद का बना हुआ यू प्लेन लेम भाई तेरा ब्रॉक लेसनर हियर कम्स द फेम अपन हक से बोले अपन यहां खुद के दम से भिड़ गया तो कुत्ता बना देते भाई कसम से पब्लिक जानती है लाला अपन कौन से कदम पे एमएस धोनी विकेट कीपिंग सीधा गुल करते पंप है बॉडी में सिर्फ लीन दोस्त बने भाई लोग का टीन तेरे डायलॉग का टीन अपनी बातचीत है स्ट्रेट फॉरवर्ड चल बे नमकीन रातें रंगीन तेरी अगली को पूछ अपन बोलते नहीं कुछ अपन बोलते नहीं कुछ टीएससी साइफर डोपर डेलिक्स बंटाय रिकॉर्ड्स यू ऑलरेडी नो मालूम है ना क्या बोलते एक नंबर चार्ट टू ईच एंड एवरीवन बहुत भारी ए Peace out. I say this every time I react on Bantai ka. किसी भी गाने पे react करती हूँ ना, I am like peace out. और यार एक चीज मुझे और बोलनी है. मालूम है ना, ये बोल के जो मजे आते हैं ना मेरे को, I don't know why I feel so relaxed after saying this. क्योंकि यार देखो rap की एक चीज जान लो कि अगर आप rap की दुनिया में घुस रहे हो ना, तो you will be a carefree person. बहुत यार एकदम dope अपने उसमें आ जाते हो आप एकदम टॉर में अपनी के मालूम है ना भाई हम हैं. एक एटीट्यूड होना जरूरी है लाइफ में. शेर को देखा है ना, जंगल का राजा होता है ना, उसके अंदर एक एटीट्यूड होता है ना, वो ही एटीट्यूड की जरूरत है अपनी लाइफ में भी. इफ यू वांट टू बी द लायन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बॉस. और बहुत बहुत अच्छा लगा है मुझे आज इनका ये रैप सुन करके. सी आई वॉज अ गर्ल वन डे जो कि बिल्कुल भी रैप वैप में नहीं थी, एकदम अपनी बाउंड्रीज के अंदर, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी कि अपनी वो ही फिक्स बाउंड्रीज के अंदर थी. एंड नाउ आई एम ओपनिंग अप. इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें मुझे मालूम चल रही है. आई एंजॉयड दिस साइफर अ लॉट. मुझे बहुत अच्छा लगा. इफ एमी वे बंटाए इज वॉचिंग दिस रिएक्शन
थैंक यू सो मच यार, मजे आ गए आपका ये गाना सुन करके। आई होप आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। जिस जिसको भी मेरा रिएक्शन अच्छा लगा है प्लीज एमी वे बंटाई तक पहुंचाओ इसको, कैसे भी करके पहुंचाओ। आई डोंट नो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, बस कमेंट्स में टैग करो, इंस्टाग्राम पे भेजो, जो करना है करो, बस इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ। ओके, मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें मेरा रिएक्शन कैसा लगा, इनका साइफर कैसा लगा, हम दोनों का कॉम्बो कैसा लगा। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। बंटाई की पूरी पब्लिक तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो। ये बंदी यहाँ पे बैठ के रिक्वेस्ट कर रही है आपसे। सी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यू नो तीन आर्टिस्ट थे जिन्होंने डोप डैडी हिलैक इन लोग ने दूसरी लैंग्वेज में बोला था गाने को, आई थिंक वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस थी, मे बी तमिल थी या फिर कन्नड़ भी हो सकती है उसके अंदर। मुझे कोई नॉलेज नहीं है यार उस बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे राजस्थान में रहने वाली लड़की हूँ, मैंने हमेशा हिंदी सुनी है या मारवाड़ी सुनी है, या हम लोग यूपी से बिलोंग करते तो यूपी की पूरी भाषा आती है, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती है। चलो ठीक है यार, यही था मेरा रिएक्शन। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे फनी फनी कॉन्टेंट से आपको वाकिफ करवाती रहूंगी मैं। इनफैक्ट आई मेक रील्स, सो यू विल एंजॉय मी इन दोज रील्स। वहां पे कॉन्टेंट क्रिएशन रहता है अपना अलग, यहाँ पे रिएक्शन चैनल है अपना अलग, और एक और यूट्यूब पे चैनल बना रखा है वो अलग है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो यहां से वहां जाकर के उन वीडियोस को भी एक बार स्टॉक कर लो। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो, आई लव यू सो मच अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो। दिस इज किलाया रिएक्ट्स।